नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये देखें, ये हमारी खरल के अंदर बहुत ही शानदार नुस्खा तैयार हो रहा है मैदे मसाने की गर्मी के लिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हमने क्या क्या डाला है। दोस्तों इसमें 250 ग्राम मोती पिष्टी, 250 ग्राम परवाल भस्म यानी कि मूंगे की भस्म, मोती की पिष्टी और मूंगे की भस्म, ये आप देखें 250-250 ग्राम। अब ये है दोस्तों वंशलोचन, और दोस्तों इस तरीके का वंशलोचन आज तक शायद ही आपने देखा होगा किसी वैद्य के पास। ये वाला वंशलोचन मिलना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली भी होता है। ये लगभग 5-6 हज़ार रुपये किलो मिलता है ये वाला वंशलोचन। अब ये हमारी मोती पिष्टी और मूंगे की भस्म 250-250 ग्राम, और 500 ग्राम हमारा ये वंशलोचन। तो दोस्तों ये वंशलोचन हम इसी अपने नुस्खे में डालेंगे ये। अब इसकी अच्छे से घुटाई होगी, उसके बाद ये दवा मरीजों को दी जाएगी। दोस्तों धात, स्वपन दोष, शीघ्र पातन, मैदे मसाने की गर्मी, पेट की गर्मी और कमजोरी, कैल्शियम की कमी, इन चीज़ों के लिए ये रामबाण दवा है। जो कोई भी इस दवा को खाएगा गुण गाता नहीं थकेगा। और बाकी ये नुस्खा हम तैयार कर रहे हैं, घुटाई शुरू कर दो केपी। अब ये डॉक्टर केपी सिंह घुटाई करेंगे इसकी, और बहुत ही जल्द यानी कि 1-1.5 घंटे में ही ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम अपने मरीजों को ये देंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।